नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विप्लव घोष, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज लेके आया हूं दोस्तों सैक्सोफोन ट्यूटोरियल वीडियो। आज बताएंगे ए मेजर स्केल विथ विब्राटो नोट लेसन फॉर एनी सॉन्ग्स मेलोडीज प्ले। उसके साथ ए मेजर स्केल की 4/4 बीट में नोटेशन दिया हूं दोस्तों नीचे। तो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट, मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे चलते ऐसे वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों फॉर एनी सॉन्ग्स मेलोडीज प्ले के लिए। ये विब्राटो नोट क्या है आज बताएंगे दोस्तों। ये विब्राटो नोट नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों एनी सॉन्ग्स मेलोडीज प्ले के लिए। कोई भी गाना स्वीटनेस मेलोडी लाने के लिए विब्राटो नोट का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे ए मेजर स्केल सारे कीज का क्या नाम है। इससे पहले मैं एक वीडियो दिया हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सी मेजर, डी मेजर का स्केल का लेसन मैं दिया हूं और सारे कीज का क्या नाम है उसका भी लेसन मैं दिया हूं। आज बताएंगे ए मेजर स्केल। तो ए हो गया दोस्तों ए, 1 2, ये हो गया ए ऑक्टिव छोड़ के। ये हो गया बी, ये हो गया सी, सी मतलब सी शार्प आ गया दोस्तों। ए मेजर स्केल में एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प प्ले होता है, बाकी नेचुरल की है। ये हो गया एफ शार्प, सी शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, ये हो गया दोस्तों ए मेजर स्केल। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी शार्प, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया डी, ऑक्टिव प्रेस करके दोस्तों, करेक्शन, मैं ऑक्टिव प्रेस नहीं किया था। ये हो गया ई, 1 2 3 4 5, ई नेचुरल। ये हो गया एफ शार्प दोस्तों, ये आ गया एफ शार्प, ये 1 2 3, 1 2 3, ये एफ शार्प। अब आ गया जी शार्प दोस्तों, ये 1 2 3, अरे ये जी शार्प। ये हो गया दोस्तों ए मेजर स्केल का सारे नोट बता दिया हूँ। अभी 4/4 बीट में बताएंगे दोस्तों 4/4 बीट में कैसे बजाना है ए मेजर स्केल। ये 4/4 बीट में आपको नोटेशन साथ दिया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट नोटेशन का क्लास मैं दूंगा, एक्स्ट्रा नोटेशन का। तो अभी 4/4 बीट में कैसे ए मेजर स्केल प्ले करना है। हाई ऑक्टिव के लिए जब ए मेजर स्केल बजाना है दोस्तों, तो ए डी, ए डी नोट है हाई ऑक्टिव का, ये डी नोट प्रेस करना है। नेक्स्ट टाइम मैंने देखा था ये डी नोट आएगा दोस्तों, अब दोबारा दिखा रहा हूं, देखो अभी स्लो करके। Thank you.
ए मेजर स्केल दोस्तों, ए मेजर स्केल। अभी ए मेजर स्केल कैसे फास्ट लेना है फिंगरिंग के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे फिंगरिंग एक्सरसाइज। अभी जस्ट ए मेजर स्केल कैसे प्ले करना है बता दिया दोस्तों। अभी नेक्स्ट आएगा बी ब्रेटर नोट। बी ब्रेटर नोट क्या है आज बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी हिंदी या वर्ल्ड का कोई भी गाना स्वीटनेस मेलोडी लाने के लिए एक बी ब्रेटर नोट बहुत जरूरी पड़ता है। जैसे ए मेजर स्केल में बताएंगे दोस्तों, जैसे ए मेजर स्केल पकड़ रहा हूँ, ए नोट, करेक्शन, ये क्या हुआ सस्टेन नोट हो गया, बिल्कुल नोट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट मतलब विब्राटो, विब्राटो पानी के लहर जैसे लेना है, टोन पानी के लहर जैसा चलेगा उसको विब्राटो नोट बोलता है। जैसे विब्राटो नोट दोस्तों, चंद सेकंड सस्टेंड लेना है, उसके बाद विब्राटो देना है, ये ऐसे ये दोस्तों विब्राटो नोट। लिप को माउथपीस पे ऐसे लेना है, कोई कोई दांत से प्रेस कर सकते हैं, दांत से प्रेस नहीं करना दोस्तों, ओनली फॉर लिप। लिप ऐसे बिठाना है, हल्का सा लिप को मूवमेंट करना है और ब्लोइंग को प्यार से देना है, प्यार से। ब्लोइंग बाहर नहीं आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल पूरा फू अंदर आना चाहिए। फू बाहर जाने से एनर्जी खत्म होता है, बिल्कुल फू बाहर नहीं आना चाहिए दोस्तों, ऐसे पकड़ना है। हल्का सा लिप मूवमेंट आपको दिखाई दिया होगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है लिप को, हल्का सा। ऑक्टिव प्रेस करके दिखाता हूं, समझ गया दोस्तों। जैसे सिंगर गाता है विब्राटो नोट कैसे लेता है, एक हिंदी सॉन्ग में करके दिखाता हूं। अपने प्यार के सपने सच हुए, ये जो ले रहा हूं दोस्तों ये है विब्राटो, एक ही नोट रहेगा, एक ही, लेकिन पानी के जैसा लहरेगा, पानी जैसे नदी में पानी लहरता है, तालाब में हवा चलने से जैसे पानी ऐसे मारता है ना दोस्तों, सेम ऐसे ही है। हे इसे मैं दिखाता हूँ अभी इंस्ट्रूमेंट में, सेक्शन में दिखाता हूँ, देखा दोस्तों दिया ना कैसे दिया, देखो ये जो विब्राटो, पहले हल्का सा सस्टेन लेना है, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। फिनिशिंग में जो दे रहा हूं दोस्तों, फिनिशिंग में शुरू में हल्का सा सस्टेन, उसके बाद विब्राटो, सस्टेन विब्राटो, यह है दोस्तों विब्राटो। तो ऐसे प्ले करने से दोस्तों कोई भी गाना
सुंदर लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों विब्राटो नोट, कैसे लेना है, कैसे बजाना है, आज मैं आप लोगों को सामने बता दिया। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट आप सभी को, मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, ऐसे वीडियो आगे चलते मिलते रहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आप सभी का इंटरटेनमेंट के लिए भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग मैं देते रहता हूँ, जो लाइव प्रोग्राम करता हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ। तो मिलते रहेंगे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी।